मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। फिर से हाकिम का नया फरमान आया, फोड़ दो हर आंख को जो आईना है। नमस्कार, ये दो शेर हमारे लोकतंत्र का हाल बयान करते हैं। एक शेर दुष्यंत कुमार ने घोषित आपातकाल के समय में सन 1975 के आसपास कहा था और दूसरा शेर कहा है मुकुल सरल ने अघोषित आपातकाल के समय यानी 2022 में। घोषित आपातकाल करीब 21 महीने का था, लेकिन ये अघोषित आपातकाल खत्म ही नहीं होता है, साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की आजादी, लिखने की आजादी, खुद को व्यक्त करने की आजादी हमारा संवैधानिक और मौलिक अधिकार है, लेकिन आपातकाल में सबसे पहले इसी पर हमला होता है, सबसे पहले इसी पर प्रतिबंध लगाया जाता है, कभी सीधे तौर पर, कभी परोक्ष रूप में, कभी पार्लियामेंट्री अनपार्लियामेंट्री की बहस चलाकर, कभी फरमान जारी करके, कभी एक चित्रकार, कभी एक पत्रकार, कभी एक कार्टूनिस्ट पर बैन लगाकर, एक ट्वीट पर उसकी गिरफ्तारी करके। आज सारे सुखन हमारे के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं इसी बोलने की आजादी के बारे में। फैज ने कहा तो है कि बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिस्म जबां की मौत से पहले, बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। हालांकि आज चलन है कि हर स्वतंत्र विचार को देशद्रोही की श्रेणी में डाल दिया जाता है, एंटी नेशनल करार दे दिया जाता है। तेरा निजाम है सिलदे जबान शायर की, यह एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। वाकई संसद में जिन शब्दों को असंसदीय कहा गया है उसे पढ़कर तो यही शेर याद आता है। कोई कह सकता है कि सच को किसी और अंदाज में, किसी और लहजे में भी कहा जा सकता है, लेकिन सच में कृष्ण बिहारी नूर का ये शेर बयान करता है कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। और हफीज मेरठी कहते हैं कि रात को रात कह दिया मैंने, सुनते ही बौखला गई दुनिया। दुनिया बौखला ही जाएगी क्योंकि जमाना कुछ और है। एक पुरानी कविता है, कवि को लेकर विवाद है, हमने गोरख पांडे के नाम से पढ़ी है। कुछ दूसरे कवियों का नाम लेते हैं। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सब बोले रात है, ये सुबह सुबह की बात है। ये सच है कि सच से हर सरकार डरती है, तभी तो लीडर खुद को देश और अपनी और सरकार की आलोचना को देश की आलोचना का नाम दे देता है। लेकिन फिर यूं होता है कि एक बच्चा खड़ा होकर बीच बाजार कह ही देता है कि राजा नंगा है, और एक कवि चुनौती दे देता है कि जनता की रोके राह समय में ताव कहां, जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। हमारी संसद कुछ शब्दों को लेकर चिंतित हो रही है, जबकि उसे भूख, गरीबी, बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर बहस करनी चाहिए थी, चिंतित होना चाहिए था। मूल सवालों पर इसी खामोशी को देखते हुए कवि धूमल ने कहा था, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। और अब ये पूछने पर मौन ही नहीं है, बल्कि ये पूछने पर ही पाबंदी है। जाते जाते हम आपको इसी पाबंदी का जवाब टेक चंद की एक कविता के जरिए दे जाते हैं कि ये बोलने का वक्त है, ये बोलने का वक्त है, मुंह खोलने का वक्त है, आसमां खिलाफ है पर तोलने का वक्त है, जुबान पर ताले जड़े पहरा बड़ा सख्त है, लोकतंत्र की हत्या में इंसाफ कटघरे में खड़ा, रंगे सियारों के खिलाफ मोर्चा खोलने का वक्त है,
ये बोलने का वक्त है, मुंह खोलने का वक्त है। क्या कुछ नहीं हो रहा, देश धर्म की आड़ में रामनामी ओढ़कर लकड़बग्घा हंस रहा। उसके दहशत भरे दांत अब तोड़ने का वक्त है। बाहर से वो सज्जन है, भीतर एक कायर छिपा। अगर कहीं बची है हिम्मत, उसे टटोलने का वक्त है। ये बोलने का वक्त है, मुंह खोलने का वक्त है। शुक्रिया।